किसान भाइयों, आज हम बताएंगे कि धान में पहली यूरिया कब और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, किस्मों के आधार पर उर्वरक की मात्रा का निर्धारण होता है। इसके साथ ही स्थान, जलवायु, मिट्टी के आधार पर भी उर्वरक का निर्धारण होता है। अच्छा होगा कि आप मृदा की जांच अवश्य करवाएं। अधिक समय में पकने वाली धान की किस्मों में ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है। मध्यम अवधि की किस्मों के लिए उससे कम तथा कम अवधि की किस्मों के लिए और भी कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आप पहली यूरिया कब डालेंगे, इसका निर्धारण नर्सरी की अवधि पर भी निर्भर करता है। अर्थात आप धान की नर्सरी का छिड़काव करने से 30 दिन के भीतर अगर आप रोपाई कर देते हैं तो आप 7 से 15 दिन का मौका मिलता है प्रथम यूरिया का छिड़काव करने में। अगर आप रोपाई 30 दिन के बाद करते हैं, नर्सरी लगने के 30 दिन के बाद यानी कि देर से करते हैं, तो आपका उत्पादन भी कम होगा और यूरिया आपको 10 दिन के भीतर डाल देनी है। उपयुक्त समय है कि 25 से 30 दिन के भीतर ही रोपाई कर देनी चाहिए। यूरिया के साथ जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। अच्छा होगा आप रोपाई के 7वें या 8वें दिन यूरिया डाल दें। अब बात करेंगे कितनी मात्रा में जिंक और यूरिया का प्रयोग करना है। यहाँ हम आपको प्रति एकड़ की दर से बतलाने वाले हैं। इससे पहले जानेंगे कि प्रति एकड़ धान की फसल में कितनी यूरिया, कितनी DAP और कितने MOP का प्रयोग करना है। अगर आपकी फसल कम अवधि की है यानी कि 115 से 120 दिन की अवधि की है तो वहाँ पे आपको 25 किलो DAP, 70 से 75 किलो यूरिया, 20 किलो MOP अर्थात पोटास और 8 किलो जिंक। अगर आपकी फसल 120 से 130 दिन यानी कि मध्यम अवधि की है तो 28 से 30 किलो DAP, 75 से 80 किलो यूरिया, 20 से 25 किलो MOP। अगर आपकी फसल अधिक अवधि की है अर्थात 140 से 150 दिन में पककर तैयार होगी तो 35 से 38 किलो DAP, 90 से 95 किलो यूरिया और 30 से 35 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ 8 किलो जिंक की भी आवश्यकता पड़ती है। DAP और MOP को अंतिम जुताई के पहले डाल देते हैं और यूरिया को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। यूरिया का पहला हिस्सा 7 से 8 दिन की अवस्था में छिड़काव करते हैं और दूसरा और तीसरा हिस्सा धान की अवधि के आधार पर निर्भर होता है। आपको सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपकी धान की फसल कम अवधि की है तो दूसरा छिड़काव आपको 24 से 28 दिन पर और तीसरा छिड़काव 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। यानी कि कम अवधि की धान की फसल में 45 दिन के बाद आपको उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपकी धान की फसल मध्यम अवधि की है तो आपको दूसरा छिड़काव 28 से 32 दिन के बीच में और तीसरा छिड़काव 48 से 52 दिन के बीच में कर देना चाहिए। 52 दिन से बाद आपको यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। अगर आपकी फसल अधिक अवधि की है यानी 140 से 150 दिन वाली किस्म है तो आपको दूसरी खुराक यूरिया की दूसरी खुराक 33 से 37 दिन पर और तीसरी खुराक 58 से 62 दिन के बीच में दे देनी चाहिए। प्रथम यूरिया के खुराक के साथ आपको 8 किलो जिंक का भी प्रयोग करना है। अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान रखते हैं और समय से अपने उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल अधिक पैदावार देगी और रोग मुक्त भी रहेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक किसानों के साथ शेयर करिए। तो किसान भाइयों, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय किसान, जय कृषि विज्ञान।